झज्जर पुलिस ने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने में कामयाबी हासिल की है। दरअसल पुलिस ने अस्पताल के बाहर एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया है, जो जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बवाना के साथ ही नवीन बाली की हत्या करने के लिए आया था। उसके तीन और साथी भी बाहर कार में उसका इंतजार कर रहे थे। पुलिस की टीम जब नवीन बाली की मेडिकल जांच कराने के लिए अस्पताल में लेकर पहुंची, तो मौका मिलते ही आरोपी हिमांशु ने अपनी पिस्तौल जैसे ही बाहर निकाली तो पुलिस कर्मियों ने उसे दबोच लिया और गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान हिमांशु के तीन साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी कई दिन पहले ही अस्पताल की रेकी कर चुके थे। उनके पास पूरी जानकारी थी कि नवीन को कहां और कब मारना है, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उनकी साजिश नाकाम कर दी। जो नवीन वाली एक कुख्यात अपराधी है, इसको मुकदमे की पूछताछ के लिए शामिल जांच के लिए लाया गया था। तो मेडिकल परीक्षण के लिए उसको सिविल हॉस्पिटल ले जाना था। इसके जो विरोधी पक्ष है अशोक प्रधान गैंग का, जो मेन गुर्गा बंटी देसलपुर नाम का एक आदमी है जो कई मुकदमों में वांछित भी है, उसने एक योजना बनाकर अपने गुर्गों को यहाँ पे भेजा था। और इनका प्लान था कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर नवीन वाली को मौका मिलने पे गोली मारने का। तो पुलिस की टीम मुस्तैद थी, काफ़ी स्टाफ भी लगा रखा था। जब मेडिकल कराने के बाद लेके जा रहे थे तो एक बंदे पे शक हुआ और पुलिस की टीम में एक लड़के को जो संदिग्ध होने पर उसको दौड़ाया, तो उस करीब 500 मीटर उसका पीछा करने के बाद में उसको काबू कर लिया। उसमें जो हमारा हेड कांस्टेबल प्रवीण है, उस पर हेड कांस्टेबल पवन ने उसको काबू किया है। और उसके कब्जे से एक हमें 0.30 बोर का एक ऑटोमेटिक पिस्टल मिला है। और इसने अपनी पूछताछ में बताया कि बंटी देसलपुर ने करीब 8 दिन से इसके ऊपर हमला करने की योजना बना रखी थी। इसी योजना के अंतर्गत आज हथियार उपलब्ध कराए गए थे और इसमें टोटल 4 लोग बंटी देसलपुर और उसके साथ में 3 लड़के, एक खुद ये हिमांशु जो कि देसलपुर गाँव का रहने वाला है बंटी के, और उसके साथ में एक राकेश नाम का लड़का जो डाबोदा का अभी आइडेंटिफाई हुआ है, और एक प्रवीण जिसकी अभी पहचान पूरी नहीं हुई है। ये 3 लड़के इस काम के लिए भेजे गए थे। हॉस्पिटल के अंदर जो ये एक ही बंदा आया था, बाकी 2 बंदे बाहर इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो इसको यहाँ से पकड़ा जगाया है, उसके बाद में फिर नाकाबंदी की गई है, मगर उनको भनक लगने पर वो लोग निकल चुके हैं। एक रेड कलर की एक ब्रेजा गाड़ी में ये लोग ये वारदात करने के लिए आए थे। क्या अटैम्प्ट किया था वारदात के लिए? वारदात के लिए इसने हथियार निकाला था और उसी को देखते हुए, संदिग्ध तौर पर देखते हुए पुलिस ने उसको दबोचा है। ये बात और भी हमारे नॉलेज में आई है कि 2 दिन पहले ये हॉस्पिटल के दौरान ही ट्रेकिंग करने के लिए आया था। उस वक्त इसके पास कोई हथियार वगैरह नहीं था और पुलिस टीम को इस पर शक हुआ था, तो ये वहाँ से चुपचाप निकल गया था। अभी पूछताछ में इसने बताया। फिर नवीन बाली को क्यों मारना चाह रहे हैं सर, क्या वजह? क्योंकि आप लोग जानते, पिछले 8-10 महीने पहले यहाँ पे गैंग वॉर के संबंध में 4-5 मर्डर हुए थे, जिसमें गुल्लर सरपंच की मर्डर के मामले में जिसमें नवीन वाली को लाया गया है। तो ये अशोक प्रधान के पक्ष का आदमी के बारे में, इसकी मौत का बदला लेने के लिए इस पे हमला करने का आज पूरा। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार शूटर देशलपुर गांव का रहने वाला है और उसके साथ दाबोदा गांव का राकेश, बंटी देशलपुर और प्रवीण नाम का अपराधी भी साजिश में शामिल थे, जो फरार चल रहे हैं। ये सभी आरोपी लाल रंग की ब्रेजा कार में सवार होकर आए थे, जिसमें से हिमांशु अंदर वारदात को अंजाम देने की फिराक में था और बाकी तीनों बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। जानकारी ये भी है कि शूटर को हथियार बंटी देशलपुर ने दिए थे, जो अशोक प्रधान गैंग का गुर्गा है। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि नीरज बवाना और अशोक प्रधान एक दूसरे के विरोधी हैं। पता चला है कि आरोपी नूना माजरा के पूर्व सरपंच गुल्लर की हत्या का बदला लेना चाहते थे। उधर शूटर को पकड़ने वाले दोनों पुलिस कर्मियों को SP ने खुद 20,000 रुपए देकर सम्मानित किया। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।